ऐसा क्या हुआ कल के एपिसोड में कि आपस में भिड़ गए प्रियंका और निमृत, और निमृत और प्रियंका ने कहीं ना कहीं अपनी जो इनका जो भी झगड़ा है, इनका जो जिस तरीके से सारी चीज़ें शुरू हुई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा सच सामने भी लाया और बताया भी कि क्यों ये दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, क्यों इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। और वहीं बात करें प्रियंका चार चौधरी की, तो उन्होंने एक चीज़ खुद बोली भी कि मैं कहीं ना कहीं इनसे बीच में, इनको मैंने बोला भी था, मैं इनको पसंद भी करने लग गई थी, इनसे दोस्ती भी करना चाहती थी, लेकिन अगर इनका बिहेवियर इस तरीके का होगा तो मुझको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्ती करने की, हम जैसे हैं, मतलब यू डोंट लाइक मी, मतलब शी डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक हर एंड इट्स डन, ऐसा ही रहने देते हैं। तो क्यों ये सारी बातें आ रही हैं सामने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। प्रियंका चार चौधरी और निमृत, प्रियंका चार चौधरी बिग बॉस की एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, जिनको पता है कि किस तरीके से किस समय बोलना चाहिए, किस समय नहीं बोलना चाहिए, किस समय शांत हो जाना चाहिए और किस समय अपने मुद्दे रखने चाहिए सबसे ज़्यादा। और वहीं दूसरी तरफ है निमृत कौर अहलूवालिया, जो अभी तक ऐसा बाहर जनता तो यही कह रही है कि निमृत कौर अहलूवालिया अभी तक जो है जो जिस तरीके का उनका गेम चला है वो कहीं ना कहीं शिव ठाकरे और मंडली की बदौलत है कि मंडली ने उनको सपोर्ट किया और निमृत जो है वो यहाँ तक आ गई अपना गेम लेकर। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में निमृत का कोई गेम बिग बॉस के घर में है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे बिग बॉस तो एक बड़ा आपके दिमाग में सच में क्वेश्चन मार्क आता है कि निमृत कौर अहलूवालिया का गेम क्या है। क्योंकि एट पॉइंट आप जाके प्रियंका से बात भी कर रहे हो, आप प्रियंका की तारीफ सुन के उनको थैंक यू भी बोल रहे हो और फिर आप प्रियंका से झगड़ा ही कर रहे हो, तो ये हिपोक्रेसी समझ में नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। तो कल जो है स्पीड ब्रेकर वाला टास्क हुआ था जिसमें स्कल पर स्टिकर लगाकर जिसको भी आप मतलब जो भी आपका कुछ गिला शिकवा होगा वो उसके लिए कि बताइए क्या है जो आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर है बिग बॉस के घर में, आपके रास्ते का अड़चन तकलीफ, उसका स्टिकर लगाकर उसको तोड़ना है, हथौड़े से मारना है। जिस पर प्रियंका जो है वो निमृत का नाम लेती है और निमृत भी प्रियंका का नाम लेती है, दोनों एक दूसरे का नाम ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद निमृत एक खुलासा करते हैं कि हम दोनों एक द बिग पिक्चर शो करके एक शो था उसके प्रमोशन पे मिले थे, 3 घंटे हमारी बात हुई थी, 3 घंटे हमने हार्डली 3 घंटे एक दूसरे को देखा था, मिले थे, और 3 घंटे में निमृत बोलती है कि मैंने एक चीज़ कर ली कि इनकी वाइब और मेरी वाइब मैच नहीं कर रही, तो हम दोनों ने दूरियां बनाना सही समझा। जिसके बाद प्रियंका ये कहती है क्या ये सही है कि 3 घंटे में आप किसी को जज कर लो और उसके बारे में बता दो कि वो कैसा इंसान होगा। इस पर फरा कहती है कि प्रियंका आज के जनरेशन में 3 मिनट भी बहुत होता है किसी को जज करने के लिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, कौन सही है इन दोनों में से और आप किसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हो, प्रियंका या निमृत। और इसी तरह के बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।